दोस्तों आईपीएल 2022 में मेगा ऑक्शन के चलते सभी टीमें अपने अपने स्क्वाड से कई सारे स्टार प्लेयर को बाहर कर देगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2022 के लिए सभी टीमों के रिलीज प्लेयर्स की कंप्लीट लिस्ट बताएंगे, यानी कि सभी टीमें अपने अपने स्क्वाड से कौन कौन से स्टार प्लेयर को बाहर कर देगी। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन सभी टीमों के रिलीज प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आईपीएल 2022 में मेगा ऑक्शन होने वाला है, तो इस वजह से सभी टीमों के स्क्वाड से काफी सारे स्टार प्लेयर को बाहर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स के रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट के बारे में। तो इस टीम के रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट में पहला नाम है रियान पराग का, उसके बाद श्रेयस गोपाल, राहुल तेवटिया, महिपाल लोमरोर, कार्तिक त्यागी, एंड्रयू टाई, जयदेव उनादकट, मयंक मार्कंडे, उसके बाद अनुज रावत, डेविड मिलर, मनन वोहड़ा, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, उसके बाद मुस्ताफिजुर रहमान, चेतन सकारिया, केसी करियप्पा, लियाम लिविंगस्टोन, कुलदीप यादव, आकाश सिंह, ग्लेन फिलिप्स और जोफड़ा आर्चर को राजस्थान की टीम अपने स्क्वाड से पूरी तरीके से बाहर कर देगी। और इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है जोफड़ा आर्चर का और ये प्लेयर अब मेगा ऑक्शन का पार्ट बनेंगे। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी टीम है केएल राहुल की कप्तानी वाली यानी कि पंजाब किंग्स की टीम, और इस टीम के रिलीज लिस्ट में कई सारे स्टार प्लेयर का नाम शामिल है, जिसमें पहला नाम है क्रिस गेल का, दूसरा नाम है मनदीप सिंह का, उसके बाद सरफराज खान, मुरुगन, अश्विन, दर्शन नालकंडे, प्रभास सिमरन सिंह, अर्षदीप सिंह, क्रिस जॉर्डन, हरप्रीत बराड़, दीपक हुड्डा, रवि बिश्नोई, ईशान पोरेल, डेविड मलान, झाई रिचर्डसन, उसके बाद शाहरुख खान, रिल्ली मेरेडिथ, मोइजेज हेनरिक्स, पेवियन एलेन, जलज सक्सेना, उत्कर्ष सिंह और साथ ही साथ सौरभ कुमार को पंजाब की टीम अपने स्क्वाड से बाहर करेगी। और कुछ रिपोर्ट्स ने यह क्लेम किया है कि पंजाब की टीम अपने कैप्टन यानी कि केएल राहुल को भी रिलीज कर सकती है। तो अगर केएल राहुल मेगा ऑक्शन का पार्ट बनते हैं तो काफी ज्यादा महंगे बिकेंगे। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी टीम है पांच बार की चैंपियन यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम, और इस टीम के रिलीज लिस्ट में पहला सबसे बड़ा नाम है सूर्य कुमार यादव का, दूसरा बड़ा नाम है क्विंटन डिकॉक का, उसके बाद क्रिस लिन, सौरभ तिवारी, हार्दिक पांड्या, क्रुणाल पांड्या, ट्रेंट बोल्ट, उसके बाद राहुल चहर, धवल कुलकर्णी, आदित्य तारे, उसके बाद अनमोल प्रीत सिंह, उसके बाद जयंत यादव, अनुकूल रॉय, मोहसिन खान, एडम मिलने, उसके बाद नेथन कुल्टरनाइल, उसके बाद पीयूष चावला, जिमी निसम, मार्को जेंसन, युद्धवीर सिंह और साथ ही साथ अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई की टीम अपने स्क्वाड से पूरी तरीके से बाहर कर देगी। तो मुंबई के रिलीज लिस्ट में सूर्य कुमार यादव, क्विंटन डिकॉक और ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पांड्या जैसे कई सारे स्टार प्लेयर मौजूद हैं। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, और इस टीम के रिलीज लिस्ट में पहला बड़ा नाम है इस टीम के कप्तान यानी कि ओएन मोर्गन का, उसके बाद नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक, राहुल त्रिपाठी, शिवम मावी, पैट कमिंस, प्रसिद्ध कृष्णा, कमलेश नागरकोटी, उसके बाद कुलदीप यादव, लॉकी फर्ग्यूसन, रिंकू सिंह, संदीप वॉरियर टीम साइफर्ट, साकिब अल हसन, उसके बाद सेल्डन जैक्सन, वैभव अरोड़ा, करुण नायर, उसके बाद हरभजन सिंह, बेन कटिंग, वेंकटेश अय्यर और साथ ही साथ ये टीम अपने स्क्वाड से पवन नेगी को बाहर करेगी। तो ये था कोलकाता के रिलीज प्लेयर्स का फाइनल लिस्ट, जहां पर कोलकाता के रिलीज लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है मोर्गन का, उसके बाद पैट कमिंस और साथ ही साथ कुलदीप यादव जैसे कई सारे स्टार प्लेयर को कोलकाता की टीम अपने स्क्वाड से पूरी तरीके से बाहर कर देगी। तो अब बात कर लेते हैं आरसीबी के रिलीज प्लेयर के बारे में। तो इसमें पहला नाम है जॉर्ज गार्टन का, दूसरा नाम है अक्षदीप का, तीसरा नाम है वेनिडू हसरंगा का, चौथा नाम है दुष्मंता चमीरा का, उसके बाद टीम डेविड, के एस भरत, सुयश प्रभु देसाई, डैन क्रिश्चियन, काई जेमिसन, मोहम्मद अजरुद्दीन, रजत पाटीदार, सचिन
सचिन बेबी, पवन देश पांडे, शहबाज अहमद, नवदीप सैनी, उसके बाद मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल और देवदत्त पड्डीकल को आरसीबी की टीम अपने स्क्वाड से बाहर कर देगी। तो ये था आरसीबी के रिलीज प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट, जहां पर आरसीबी के स्क्वाड से पड्डीकल, सिराज, हर्षल पटेल और भी कई सारे स्टार प्लेयर को बाहर करना पड़ेगा। हालांकि आरसीबी के लिए सबसे बेहतरीन बात यह है कि मेगा ऑक्शन में इस टीम के पास कई सारे स्टार प्लेयर को परचेज करने का मौका होगा, तो कुल मिला के मेगा ऑक्शन आरसीबी टीम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। और ये टीम नीलामी में कुछ ऐसे प्लेयर को टारगेट करेगी जो कि आने वाले समय में आरसीबी टीम की कप्तानी कर सके। तो आपके हिसाब से आरसीबी का नया कप्तान कौन से प्लेयर को बनाना चाहिए, आप उस प्लेयर का नाम कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी टीम है इस साल की चैंपियन यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। और चेन्नई सुपर किंग्स के रिलीज प्लेयर्स के बारे में बात करें तो इसमें पहला नाम है इस टीम के वाइस कैप्टन यानी कि सुरेश रैना का, और रैना को चेन्नई की टीम 100% बाहर करेगी। उसके बाद अंबाती रायडू, ड्वेन ब्रावो, सैम करन, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, उसके बाद इमरान ताहिर, लुंगी एनगीडी, करण शर्मा, मिचेल सेंटनर, उसके बाद जॉस हेजलवुड, एन जगदीशन, एसआई किशोर, के एम आसिफ, उसके बाद रॉबिन उथप्पा, मोइन अली, कृष्णप्पा गौतम, चेतेश्वर पुजारा, उसके बाद हरिशंकर रेड्डी, उसके बाद भगत वर्मा और हरि निशांत को चेन्नई की टीम अपने स्क्वाड से बाहर कर देगी। तो ऐसे में चेन्नई के स्क्वाड से सुरेश रैना, मोइन अली, सैम करन, ड्वेन ब्रावो और शार्दुल ठाकुर जैसे कई सारे स्टार प्लेयर मेगा ऑक्शन का पार्ट बनेंगे। तो आपके हिसाब से चेन्नई की टीम को मेगा ऑक्शन में कौन कौन से नए प्लेयर को खरीदना चाहिए, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। और इस टीम के रिलीज लिस्ट में कई सारे चौंकाने वाले नाम मौजूद हैं, क्योंकि चेन्नई के पूर्व कप्तान यानी कि श्रेयस अय्यर अब दिल्ली से रिलीज हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा नाम है शिखर धवन का, उसके बाद अजिंक्य रहाणे, सिमरन हेटमायर, रविचंद्रन अश्विन, मार्कस स्टोइनिस, ईशांत शर्मा, उसके बाद अमित मिश्रा, अक्षर पटेल, क्रिस वोक्स, आवेश खान, उसके बाद प्रवीण दुबे, उसके बाद ललित यादव, स्टीव स्मिथ, उमेश यादव, रिपल पटेल, उसके बाद विष्णु विनोद, एम सिद्धार्थ, ल्यूकमैन मेरीवाला, उसके बाद टॉम करन और साथ ही साथ सैम बिलिंग्स को चेन्नई दिल्ली की टीम अपने स्क्वाड से पूरी तरीके से बाहर कर देगी। तो दिल्ली की तरफ से धवन और अय्यर जैसे कई सारे स्टार प्लेयर मेगा ऑक्शन का पार्ट बनेंगे और ये सभी प्लेयर काफी ज्यादा महंगे बिकेंगे। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। और इस टीम के रिलीज प्लेयर्स के बारे में बात करें तो इसमें पहला बड़ा नाम है इस टीम के पूर्व कप्तान यानी कि डेविड वार्नर का, और वार्नर को हैदराबाद की टीम इसलिए रिलीज करेगी क्योंकि वार्नर और एसआरएच मैनेजमेंट के बीच कुछ भी सही नहीं है। तो इस वजह से डेविड वार्नर को हैदराबाद की टीम रिलीज कर देगी। उसके बाद दूसरा नाम है जॉनी ब्रेस्टो का, उसके बाद मनीष पांडे, विजय शंकर, उसके बाद रिद्धिमान शाह, मोहम्मद नबी, संदीप शर्मा, अभिषेक शर्मा, उसके बाद जेसन होल्डर, प्रियम गर्ग, अब्दुल समाद, बसिल थम्पी, उसके बाद शहबाज नदीम, मिचेल मार्स, सिद्धार्थ कौल, उसके बाद खलील अहमद, उसके बाद विराट सिंह, उसके बाद एस गोस्वामी, उसके बाद जगदीश सुचित, केदार जाधव और मुजीबुर रहमान को हैदराबाद की टीम अपने स्क्वाड से पूरी तरीके से बाहर कर देगी। तो यही था सभी टीमों के रिलीज प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट। और मेगा ऑक्शन के डेट के बारे में बात करें तो जनवरी के महीने में मेगा ऑक्शन कंडक्ट किया जाएगा। तो आपके हिसाब से मेगा ऑक्शन में आपकी फेवरेट टीम को कौन कौन से नए प्लेयर को खरीदना चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।